Alicia Vedkati to add today into this video. We're gonna do our chapter 2 of class 12th history NCRT. Our chapter 2 name is Kings, Farmers and Towns. So before starting our video, let me tell you that recently Studyship with Kriti started crash course of a 2-month in which I'm completing your syllabus of history and political science in my live classes. So in case you are interested, you can join those. It's going to be paid course. All the details are given into description box. Otherwise, just text me on Instagram, WhatsApp and my Telegram for more info of this course. I'm gonna start a new batch from 16th of August. Agar aap 16th of August ke baad ye video dekhte and you wanna join, ek baar contact zarur kar lijiyega, because is baar hum throughout the year will provide crash course for class 12 student. So let's get started at today's video. This is part 1 of this chapter, because iske baad do part aur aayenge is chapter ke liye. It's not possible to explain full chapter in a video if we gonna explain it in a detailed way. So first topic is a Princip and Piyadasi. Pehli baat to ye humne chapter 1 padha tha, that was Harappan civilization. Theek hai, humne Harappan civilization mein baat ki thi, time period kab ka tha wo, around 3300 to lekar 1300 BCE tak chala. Ye jo hai, ye hum consider karenge iske liye time period 600 BCE to 600 CE. Just remember one thing, that whenever you are reading any chapter of a history, make sure कि आपके mind में ये clear हो कि actually वो chapter है वो किस time period का है. इससे mind map काफी आसानी से बनते हैं और concept भी जल्दी समझ में आते हैं. First chapter is a Princip and Piyadasi. So we will be talking about early states. जो changes आए iron के आने से वो, क्योंकि ये जो time है ये iron age का time है. ठीक है, यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल बढ़ जाता है. देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट द मौर्यन एम्पायर. सो दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और इसने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, दैट आल्सो वी विल से इन टू दिस. फर्स्ट ब्राह्मी एंड करोस्टी डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप 1830s. 1830s के टाइम पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर जिसका नाम था जेम्स प्रिंसिप, इसने 2 स्क्रिप्ट को डेसिफर किया, ब्राह्मी एंड करोस्टी. अब ये स्क्रिप्ट क्या है मैं आपको बताऊं, आप हिंदी लिखते हैं तो आप हिंदी किसकी मदद से लिख पाते हैं, देवनागरी लिपि. ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट सच एज इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले. इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जैसे कि स्टोन है, स्टोन में कुछ मैसेज इनक्रिप्ट करवाया है, इंस्क्रिप्ट करवाया है. सो दीज वर द इंस्क्रिप्शंस, और इनको पढ़ने के लिए वी मस्ट नो कि वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे हुए, क्योंकि स्क्रिप्ट को अगर डेसिफर नहीं कर पाएंगे वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. दिस वाज वन ऑफ द टास्क जो जेम्स प्रिंसिप पूरा करते हैं. नाउ वर्ड यूज्ड पियादसी प्लेजेंट टू बिहोल्ड. अब ये जो स्क्रिप्ट मिली थी, इनके डेसिफर होने से हमें एक एडवांटेज मिलता है, वो ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले थे हमें, ठीक है, इस टाइम पीरियड के सभी को अब पढ़ना आसान हो गया था. सो सभी जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे उनमें एक चीज देखी गई कि एक वर्ड दिया गया है, दैट इज पियादसी. अब उस पियादसी का जब असली मीनिंग ढूंढने की कोशिश की गई तो हमें पता चला इसका मतलब है प्लेजेंट टू बिहोल्ड. प्रोबेबली ये जो है किंग अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि ये जो सारे इंस्क्रिप्शंस है ये इसी ने अशोक ने लिखवाए थे, क्योंकि अशोक वाज द फर्स्ट रूलर जिसने अपनी बात अपने सब्जेक्ट तक पहुंचाई थी. सेकंड टॉपिक इज गोना बी द अर्लीस्ट स्टेट्स 2.1 16 महाजनपद्स. अर्लीस्ट स्टेट्स, दिस वाज द टाइम पीरियड जब इससे पहले क्या हुआ करता था, ट्राइब्स हुआ करती थी. ट्राइब्स मतलब, ट्राइब्स से हमारा मतलब है कि दीज वर द ट्राइब्स की अगर एक जगह रिसोर्सेस है तो ये एक जगह होंगी. मान लीजिए वहां से रिसोर्सेस खत्म हो जाती है, ये मूव ऑन होके दूसरी जगह चली जाएंगी. बट अब लोगों ने डिसाइड किया कि हम सेटल होते हैं, और जब ये सेटल हुई ट्राइब एक जगह पे, धीरे 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 करके इन्होंने जो है पॉलिटिकल पावर गेन करने की कोशिश की, और अर्ली स्टेट्स जो है वो इमर्ज हो गए, और इनको नाम दिया गया जनपद. अब ये जनपद जब महाजनपद बन गए, मतलब और बड़े बन गए, तो ये जो है महाजनपद के नाम से जानने लगे. फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट
नाउ इफ वी सी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या है, जनपद है. अभी ये बहुत बड़ा जनपद हो, ठीक है, बहुत बड़ा जनपद हो, दैट वी विल कॉल इट एज महाजनपद, दैट्स इट. सो महाजनपद उस वक्त इमर्ज हुआ है एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद ऑफ दैट टाइम. टर्निंग पॉइंट ऑफ सिक्स्थ सेंचुरी, सिक्स्थ सेंचुरी बीसी इंडियन अर्ली हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि उस वक्त कई सारे चेंजेस आ रहे थे. अब वो चेंजेस क्या थे, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन. वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन एज, तो आयरन का यूज तो बढ़ना ही था. दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉइनेज, कॉइन का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होने लगा, बिकॉज इनिशियली देयर वाज अ बार्टर सिस्टम. इफ आई एम हैविंग दिस मार्कर एंड यू आर हैविंग शूज, तो मुझे कोई ऐसा ढूंढना होगा जिस मुझे शूज चाहिए, और मुझे कोई ऐसा ढूंढना होगा जो मुझे शूज के बदले ये मार्कर ले ले, क्योंकि इसको मार्कर की जरूरत है. हाउएवर वी डोंट नीड टू एक्सचेंज, अभी कॉइन अवेलेबल है, ठीक है. तो ये कॉइनेज था, आयरन, आयरन एज की हमने बात की एंड अर्ली स्टेट्स उस वक्त इमर्ज हो रहे थे. दीज वर द मेजर चेंजेस जो सिक्स सेंचुरी बीसी के टाइम पर हो रहे थे. महाजनपद रूल्ड बाय द किंग, संघ और गण. महाजनपद जो है या तो ये मुनाकीज इनको रूल किया करते थे, गण जो है उस वक्त हुआ करते थे, या फिर ये रिपब्लिक्स हुआ करते थे. मतलब यू कैन से देयर इज अ प्रिविलेज्ड पीपल, ठीक है, मतलब एक ग्रुप है लोगों का, ओलिगार्की भी बोलते हैं हम इन्हें, मतलब इनका सोसाइटी में स्टेटस काफी अच्छा है, एंड दीज आर द पीपल जो पूरे उस जनपद को चलाते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल. स्कूल है, स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होती है. अब डिफरेंट क्लासेस को आप मान लीजिए जनपद, ठीक है, जनपद हो गई. अब लेकिन उस जनपद में भी, क्लासेस में भी, टीचर अकेले डिसीजन कोई भी बात का नहीं ले सकता है. उसको कुछ खास लोगों से, उसकी जो खास होगी उनसे परमिशन लेनी होगी, देन वो टुगेदर डिसाइड करेंगे, ओके वी शुड डू सच एंड सच थिंग्स. सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू गिव यू, आई प्रोबेबली काफी ऑड एग्जांपल हो इस टॉपिक के लिए. सो महाजनपद रूल्ड बाय द किंग, संघ और गण. I hope it is clear now. I haven't actually written full महाजनपद्स, मैंने केवल यहाँ पे महा लिख दिया है. So each महाजनपद used to have a fortified capital. हर एक महाजनपद की capital भी हुआ करती थी, and चूंकि ये जनपद important थे तो उनकी capital को काफी इस तरह से बनाया जाता था कि attack अगर future में कोई enemy करता है तो हम अपने आप को बचा सके. So these were fortified. ब्राह्मण्स बिगिन कंप्राइजिंग संस्कृत टेक्स्ट. अब ये वो वक्त भी था जब ब्राह्मण जो है धर्म शास्त्र लिख रहे थे, धर्म सूत्र लिख रहे थे. अब ये क्या है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. सो धर्म शास्त्र, लेट मी जस्ट अंडरलाइन इट. धर्म शास्त्र यू कैन से बेसिकली अ काइंड ऑफ अ बुक जिसमें ब्राह्मिकल कोड्स एंड कंडक्ट दिए हैं. ब्राह्मण्स ने कैसे बताया कि आइडियल सोसाइटी कैसी होती है. आइडियल सोसाइटी ये होती है कि एक पिता को अपनी बेटी का विवाह करना है और उसका कन्यादान करना है, यह उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. एक राजा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो जनता है और उसकी जो प्रजा है उसको, सॉरी नॉट अ जनता, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी विल से जनता, राजा के लिए हम प्रजा ही बोलेंगे. तो जो राजा है वो अपनी सब्जेक्ट के लिए काम करे, उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है. एक राजा का काम है कि वो टैक्स कलेक्ट करे, ठीक है. राजा का काम है कि अगर वो राजा है, अगर किसी को राजा बनना है, इफ देयर इज एनी किंग, देन वो किंग क्षत्रिय ही होना चाहिए. ब्राह्मण्स किंग नहीं बन सकते और शूद्र किंग तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं, वैश्य किंग नहीं बन सकते. तो इन्होंने कंडक्ट बना के रखे थे, रूल ऑफ कंडक्ट. अगर कोई फॉलो नहीं करता, इट मीन्स दैट आप सोसाइटी से बाहर कर दिए गए क्योंकि आपने बात नहीं मानी. सो एक अलग नजरिए से देखेंगे तो धर्म सूत्र अच्छी भी चीज थी, मतलब अच्छे नियम कानून थे, बट दूसरी तरफ ये भी था ब्राह्मण से अपनी पोजीशन उसमें इंश्योर करके रखी थी कि फ्यूचर में हमें कोई इससे प्रॉब्लम ना हो. सारे नियम कानून बनाए गए बट खुद को हार्म ना हो, तो इन्होंने सोसाइटी को इस तरीके से फॉर्म करके रखा था. इनफैक्ट जो किंग्स हुआ करते थे उनको भी यह विश्वास दिला दिया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी, okay, I need to go here. 2.2. First among the 16, Magad. अब ये 16 महाजनपद है, okay, so I'll just provide you the image here, probably. तो 16 महाजनपद की लोकेशन कहाँ कहाँ थी, जैसे कि इसमें वज्जी, उज्जैनी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कुरु, पांचाल, these were the 16 महाजनपद जो उस वक्त इमर्ज हुए थे एंड वर इम्पोर्टेंट.
अब उनमें से हम बात करेंगे मगध की. मगध क्यों? क्योंकि ये मौर्यन एम्पायर से लिंक है एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद अमंग 16. मगध गेन पावर बिटवीन 6th to 4th century BCE. प्रोडक्टिव. ओके, सो मैंने यहाँ पे इट्स राइट, आई थॉट दैट कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है. अब मगध इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर थी और जहां पे कृषि ज्यादा होती है तो वहां टैक्स भी ज्यादा मिलेगा. टैक्स ज्यादा मिलेगा तो किंग जो है वो प्रॉस्परस रहेगा. अगर किंग के पास अच्छी खासी वेल्थ है तो वो डेवलपमेंट में भी ज्यादा लगाएगा. सो दिस वॉज वन ऑफ द फीचर कि मगध जो है एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद था. दूसरा, यहाँ पे रिसोर्सेस बड़े बढ़िया थे, मतलब सारे अवेलेबल थे. टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन. एंड झारखंड की जो कोल, झारखंड की जो आयरन माइंस थी वो यहाँ पे थी. आयरन माइंस जो कि झारखंड में थे, यू कैन ऑल्सो से इन टू दिस वे. तो झारखंड एरिया आज का, उस वक्त आयरन माइंस यहाँ पे अवेलेबल थी और ये जो है रिसोर्सेज दिया करते थे टूल्स एंड वेपन्स के लिए फॉर मगध. नेक्स्ट, चीप एंड कन्वीनियंट रूट्स. यहाँ पे देखेंगे गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज थी जो मगध को चीप एंड कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स प्रोवाइड करते थे. अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड कौन सा है, व्हाट यू विल आंसर? आई थिंक यू विल आंसर वाटर रूट, राइट? तो वाटर के थ्रू, नदी के थ्रू अगर जाते हैं तो वो काफी ज्यादा चीप होता है. बाय चांस अगर हम लैंड यहाँ पे कंसिडर करते हैं या रोड से कोई जाता है तो रोड में एक प्रॉब्लम रहती है. वो ये रहती है कि रोड मान लीजिए अच्छी नहीं है तो आप मान कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो वो डैमेज भी हो सकता है. बट रिवर में ऐसा कुछ नहीं है तो स्मूथली वर्क करता है. सो चीप एंड कन्वीनियंट रूट्स गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज. यहाँ पे सोन नदी भी थी, ठीक है? तो गंगा नदी थी, सोन नदी थी एंड दीज वर द डिफरेंट रिवर्स दैट गेव इम्पोर्टेंस टू मगध. बेस्ट नोन किंग्स. आप मगध के बेस्ट नोन किंग्स में आते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मा. राजगहा. राजगहा क्या थी? ये कैपिटल हुआ करती थी मगध की, बट देन इसको जो है शिफ्ट कर लिया गया पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र आज का हमारा पटना है. इज देयर एनीवन फ्रॉम पटना? काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. सो राजगहा से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया गया कैपिटल इन 4th century BCE. थर्ड इज गोइंग टू बी एन अर्ली एम्पायर. नाउ वी गोना टॉक अबाउट जस्ट मौर्यन एम्पायर कि ये कैसे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस गेन करता है, क्यों इम्पोर्टेंट था एंड एवरीथिंग. ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड टू इमर्जेंस ऑफ अ चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्यन एम्पायर की नींव अगर किसी ने रखी थी तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य और जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं. सो वी वर डूइंग 3.1 फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास. अब ना हमारे पास यहाँ पे मुझे MAU लिखना था. तो क्या हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि हम मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को ट्रेस कर सके? सो वी हैव एक्चुअली वेरियस सोर्सेज फॉर दिस. फर्स्ट वन इज अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने थी. कौटिल्य कौन थे? ये चाणक्य ही थे. चाणक्य कौन थे? इन्होंने जो है मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्यन एम्पायर फाउंड करने में, ठीक है? इनकी कहानी आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट लेटर. इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ मेगस्थनीज. मेगस्थनीज अकाउंट्स हमें हेल्प करते हैं टू ट्रेस मौर्यन एम्पायर हिस्ट्री. हु वाज मेगस्थनीज? ही वाज ग्रीक एम्बेसडर जो मौर्यन कोर्ट आया था एंड उसने जो भी देखा, जैसा भी देखा, वो सब लिखता गया था एंड वापस ग्रीक चला गया था. सो वी हैव दोज अकाउंट्स टू ट्रेस द हिस्ट्री. जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उस वक्त के, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है कि जब वैदिक ट्रेडिशन से हट के लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये न्यू रिलीजन को अपना रहे थे, क्योंकि इन रिलीजन में इनको मार्जिनलाइज फील नहीं हुआ करता था जितना कि वैदिक ट्रेडिशन में हुआ करता था. वैदिक ट्रेडिशन जो है, और यू कैन से सब कुछ धर्म सूत्रास पे चल रहा था, मतलब जो बुक में दिया है ब्राह्मण्स ने, क्योंकि जो अनटचेबल्स थे और जो शूद्र थे इनको एकदम लोअर कैटेगरी पे रखा था, मतलब सोसाइटी के लोअर पार्ट थे, ठीक है? सबसे नीचे वर्ण में आया करते थे. नॉट अनटचेबल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द शूद्रास. सो ये सबसे नीचे थे इसलिए इनको इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं थी एंड दे वर देयर जस्ट टू सर्व अदर 3 वर्णास. तो इनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन था न्यू रिलीजन. ये जो रिलीजन उस वक्त इमर्ज हो रहे थे जैन एंड बुद्धिज्म, तो रिलीजन उस वक्त इमर्ज हो रहे थे जैन
जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हम इनके बारे में चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे एक्चुअली। सो इन टेक्स्ट में भी हमें मौर्य एम्पायर की हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, अब अशोक के इंस्क्रिप्शन हमें देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्य एम्पायर। एंड अशोक वॉज अ रूलर जो अराउंड 272 और 268 के आसपास था, एंड इसने शासन किया था अप टू 231 BCE बिफोर कॉमन एरा। BCE एंड CE का हमेशा याद रखा करो, अगर सेम टू सेम टाइम पीरियड लिखा है एंड आपने यहाँ पे CE कर दिया तो आपको पूरा आंसर गलत कर दिया जाएगा। फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, सो अशोक वाज़ द फर्स्ट रूलर जिसने अपनी बात अपने लोगों से कही, उसने इसके लिए इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब करवाया। 3.2 एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, इफ यू विल जस्ट गूगल इट कि व्हाई मौर्य एम्पायर वाज़ इम्पोर्टेंट देन यू विल गेट टू नो बिकॉज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिंग, ठीक है, इसके पोलिटिकल पावर को लेके एंड दीज वर द रीजंस कि इतना ज्यादा फेमस था। मतलब एक एम्पायर जो इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में फैला हुआ है, उसने कितना अच्छा मैनेजमेंट रहा होगा उस वक्त का, कितना अच्छा उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा किंग का कि वो इतना ज्यादा उस वक्त प्रॉस्परस हुआ। सो मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स अगर हम बात करें मौर्य एम्पायर की, तो एक तो थी कैपिटल पाटलिपुत्र, उसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी एंड तोसाली। सुवर्णगिरी वॉज द प्लेस, ये कर्नाटका के आसपास है एंड यहां से जो है वो सोना आया करता था, इसका इसलिए नाम सुवर्णगिरी है। सो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तोसाली, हर जगह का, हर एक सेंटर का एक रीजन है कि ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। कोई रिवर एंड रूट के पास था इसलिए इम्पोर्टेंट था, फॉर एग्जाम्पल उज्जैनी भी है, ठीक है। पाटलिपुत्र वॉज अ कैपिटल, दैट्स वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट। सुवर्णगिरी वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अ गोल्ड, सो दीज वर द रीजन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज सेंटर्स। अशोक इंस्क्रिप्शन, अब अशोक के इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, हमें ऑल ओवर इंडिया मिले हैं। आंध्र प्रदेश में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, हमें सुवर्णगिरी में भी जो है इसके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, मतलब हर जगह मिले हैं। मैगस्थनीस मेंशन्ड कमिटी एंड सब कमिटी, अब मैगस्थनीस ने इसका जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे हैं उसकी तारीफ मैगस्थनीस ने भी की। मैगस्थनीस ने बताया कि मौर्य एम्पायर में कमिटी थी एंड सब कमिटी थी, इनका काम क्या था, इनका काम था जो मिलिट्री सारा अरेंजमेंट है मिलिट्री का वो ये करेंगे, मतलब सोल्जर्स कितने रिक्रूट करनी है, नेवी कौन देखेगा, हॉर्सेस हमें कितने चाहिए, एलिफेंट हमें कितने चाहिए एंड एवरीथिंग। सो लेट्स ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर। एक जो कमिटी थी दैट वॉज ओनली फॉर अ नेवी, जो नेवी देखेगी। दूसरी कमेटी जो थी उसका काम था ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन देखना। तीसरी जो कमेटी थी दैट वॉज फॉर फुट सोल्जर, मतलब हमारे जो फुट सोल्जर है और रिक्रूट करने हैं हमें, नहीं करने हैं। फोर्थ वॉज फॉर हॉर्सेस, हमें कितने हॉर्सेस चाहिए होते हैं, मतलब हमें नहीं मौर्य एम्पायर में और जो मौर्य एम्परर था उसको कितने चाहिए हैं। फिफ्थ वॉज फॉर कैरियर्स, ठीक है, कैरियर्स जो है वो इंश्योर करना होता था कितने होने चाहिए। एंड सिक्स्थ जो कमिटी थी दैट वॉज फॉर एलिफेंट, फॉर लाइक अगर कोई इंजर्ड हो गया तो उसको हटाना है, नया लाना है एंड फॉर दिस। अब बारी आती है, इतना यहाँ पे नहीं खत्म होता है, वी ऑल्सो हैव सम वर्क लाइक फुट सोल्जर्स जो है इसमें एक सब कमिटी भी थी, उनका काम ये था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें कुछ देखना होगा इन सोल्जर्स के लिए, दूसरी बात इनके खाने पीने का इंतजाम, इनके रहने का इंतजाम। सो देयर वर मेनी टास्क जो इस सब कमिटी के अंडर आया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक वी गोना हैव इज हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। फर्स्ट थिंग इज दिस, दिस एम्पायर लास्टेड फॉर ओनली 150 ईयर, सो ये कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि 150 ईयर से अगर हम काउंट करेंगे, इफ यू काउंट दिस फ्रॉम जो कुशांस आए, जो शुंगाज आए और जो बाकी डायनेस्टी आती है इसके पहले एंड बाद में, उन्होंने इससे ज्यादा समय तक रूल किया था। बट वाई मौर्य एम्पायर सो इम्पोर्टेंट, सो जस्ट सी मौर्य एम्पायर लास्टेड अप टू 150 ईयर्स, रिगार्डेड एज अ लैंडमार्क, ठीक है। इसको लैंडमार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने मेजर चेंज लाए थे, लाइक मेजर चेंजेस इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। स्प्रेड फ्रॉम अराउंड 324 टू 185 BCE, ये केवल इतने वक्त तक जो है प्रॉस्परस रहता है और अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको खोलता है और आगे बढ़ता जाता है और रीजन्स कैप्चर करता है। बट वॉट वी रियलाइज दैट आफ्टर 185 BCE दैट देयर वॉज अ डाउनफॉल ऑफ अ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का डाउनफॉल इसलिए होता है क्योंकि अशोक के बाद
कोई पावरफुल रूलर नहीं आया, देयर वर ओनली वीक किंग. तो जो लास्ट किंग था उसको उसी के जनरल जो कि शुंगा डायनेस्टी का था उसने मार दिया था. एंड मौर्यन एम्पायर के बाद फाइनली स्टैब्लिश होती है और फाउंड की जाती है शुंगा डायनेस्टी. सो दिस वॉज आर चैप्टर एंड आई थिंक इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट गाइस. यू कैन जस्ट आस्क मी योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियली एंजॉय टीचिंग यू पीपल ईच एंड एवरी टॉपिक बिकॉज मैंने जो वीडियो बनाए थे जो शॉर्ट वीडियोज बनाए थे यू कैन ऑल्सो रेफर शॉर्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर. ओके सो लाइक दीज वीडियोज आर फॉर योर क्विक revision in case you don't want to go for a detailed explanation. Hit the like button, share this video. Sorry for the noise because I'm shooting this video early in the morning and usually I shoot at night. So night ko koi noise nahi hota hai, but here you have to tolerate a bit. Share this video with your friends kyunki lockdown hai aur lockdown mein agar aap apna time utilize karte hain to aapko aage bilkul problem nahi hogi. Share, मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ. सब्सक्राइब स्टडी शिव कृति फॉर मोर सच सॉर्ट ऑफ वीडियोस. एंड यस इन केस यू वांट टू जॉइन माय क्रैश कोर्स ऑफ अ स्टडी शिव फॉर अ लाइव क्लासेस काइंडली लेट मी नो एंड टेक्स्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम अदरवाइज जस्ट व्हाट्सएप मी. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.